إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون हर किस्म की अच्छी तारीफ में हम्द सना बुजुर्गी व किबरियाई अल्लाह रब्बुल इज्जत के लायक व ज़ेबा है जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ईमान की इस्लाम की ज़िंदगी अता फरमाई दरूद व सलामती हो आपके हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने हमें हर खैर की तरफ रहनुमाई की। मुअज़्ज़ज़ इस्लामी भाइयों और हाज़िरीन जुमा खुतबे मस्नूआ के बाद सूरह नहल की एक आयत तिलावत की गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना के घोड़े खच्चर और गधे ये हमने पैदा किए ताकि तुम इसके ऊपर सवारी करो और ये जीनत का सामान भी है वयख्लुकु मा ला तअलमून और अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें भी पैदा करेगा मुस्तकबिल में जिसको तुम नहीं जानते। उस ज़माने में यही सवारियाँ थे घोड़े पर सवार होते थे गधे पर सवार होते थे खच्चर पर सवार होते थे और किसी के पास ये चीज़ें हों तो बहुत जीनत का सामान और बहुत ही यानी नेमत समझी जाती थी। और अल्लाह ने उस दौर के लोगों से कहा कि ऐ लोगों मुस्तकबिल में ऐसी ऐसी चीज़ें मैं पैदा करने वाला हूँ जिसको तुम नहीं जानते वयख्लुकु मा ला तअलमून। सुभान अल्लाह आज क्या कुछ इजादात दुनिया वालों ने साइंस की रोशनी में की है जहाँ बहुत सारी ईजाद हुई इसी तरीके से नेट भी एक बेहतरीन ईजाद है रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन से इंटरनेट की ईजाद की गई उस दिन से ज़िंदगी के मामूलात बदल गए ज़िंदगी की मसरूफियात बदल गए दिन रात बदल गए लाइफस्टाइल चेंज हो गई दुनिया की रफ्तार तेज़ हो गई जो काम महीनों में होते थे वो काम मिनटों में होने लगे बआसानी एक दूसरे से ताल्लुकात कायम करने का ज़रिया बन गया। बहरहाल ये जो नेट है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमारे इस जनरेशन को इस दौर में अता किया है। भाइयों नेट की शक्ल में इंटरनेट की इस दुनिया में नेटवर्क की शक्ल में सोशल मीडिया की शक्ल में एक दुनिया मौजूद है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मेजॉरिटी उसमें मुलव्वस होके अपनी तवज्जो को उसकी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया ने खुसूसन न्यू जनरेशन के जहन को मुतवज्जे करके गिरफ्तार किए हुए हैं। न्यू जनरेशन इसमें वक्त गुजार के अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। नौजवान क्या बल्कि क्या बड़े क्या छोटे मेजॉरिटी लोग सोशल मीडिया में अपना वक्त सर्व कर रहे हैं। आज स्मार्टफोन के बगैर ज़िंदगी ना रही सोशल मीडिया के बगैर ज़िंदगी ना रही
जरूर इसकी जरूरत है, इसे फरामोश नहीं कर सकते, इसे छोड़ नहीं सकते, इसलिए कि सहूलतें हो गई, जो काम मुश्किल से होते थे वो काम आसानी से हो गए। याद रखना, ये सोशल मीडिया हो या नेट हो, फी नफ्सी, ना इसमें कोई खैर है ना इसमें कोई शर है, ना इसमें कोई भलाई है ना कोई इसमें शर है। खैर और शर तो उन हाथों पर मौकूफ है जो इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर सही हाथ, सही जहन ये स्मार्टफोन और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ी नेमत है। इसी सोशल नेटवर्क के जरिए आप रब की रजामंदी भी पा सकते हैं, हत्ता कि जन्नत भी पा सकते हैं इस नेमत के जरिए से। अगर ये सोशल मीडिया, अगर ये स्मार्टफोन गलत जहन में जाए, गलत लोगों के हाथ लग जाए, तो उनके लिए बहुत बड़ा फितना है। ना सिर्फ फितना बल्कि उनके आखिरत को तबाह करने के लिए सोशल मीडिया काफ़ी है, इनके आखिरत को बर्बाद करने के लिए स्मार्टफोन काफ़ी है। तो मालूम ये हुआ कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी नेमत है, ये इस्तेमाल पर मौकूफ है। अगर अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बड़ी नेमत है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बड़ी आफत है, फितना है, आजमाइश है, तबाही का जरिया है। लेकिन मसला यह है, हम में से बहुत ज्यादा लोग, मेजॉरिटी, सही इस्तेमाल से बढ़कर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसे मिसयूज करते हैं, इसे लिमिट क्रॉस करके इस्तेमाल करते हैं। हर एक के इस्तेमाल की हद होती है, हद से बढ़कर उसका इस्तेमाल करते हैं। नतीजे में क्या क्या जिंदगी में असरात मुरतब हुए, क्या क्या जिंदगी में तब्दीलियां आई, ये बहुत बड़ा फितना बनकर रह गया हमारे, खास करके न्यू जनरेशन के लिए, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन जिंदगी में बचा दिया था इन चीज़ों के बारे में। फितनतुन तदखुलु फी बुयूतिल अरब, एक फितना आएगा, अरब के हर घर में दाखिल हो जाएगा। एक रिवायत में बताया, एक फितना जन्म लेगा, हर मुसलमान के घर में दाखिल होकर रहेगा क़यामत से पहले, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। आज देखिए ये सोशल नेटवर्क, ये मीडिया किस कदर हमारे घरों में दाखिल हुआ, हमारे घर में दाखिल हो के घरों की जिंदगी को बर्बाद किया गया, खानदानी जिंदगी को बिगाड़ दिया गया, एक किस कदर सोशल मीडिया की ताकत हुआ करती है। भाइयों, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आज के इस खुतबे का मौजू सोशल मीडिया का इनकार नहीं है। सोशल मीडिया बहुत बड़ी नेमत है, इसके इस्तेमाल के बगैर इंसान नहीं रह सकता, इसके इस्तेमाल के बगैर काम मुमकिन नहीं है, बिजनेस मुमकिन नहीं है, तिजारत मुमकिन नहीं है, इस्तेमाल करना ही पड़ता है इसका। लेकिन याद रखना, इसका सही इस्तेमाल ही आपके लिए कामयाबी है, और इसका गलत इस्तेमाल, मैंने कहा कि आपकी आखिरत बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। हमारे नाम अमल में जहाँ नेकियाँ लिखी जाती हैं, गुनाह लिखे जाते हैं, और ख़ास करके यूँ समझो कि ये इस दौर में, ये हम जहाँ स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल नेटवर्क में, कम्युनिकेशन मीडिया में जो मुलव्वस हैं, याद रखो हमारे नाम अमल का बड़ा दखल है। नेकियाँ भी इसमें, गुनाह भी इसमें लिखे जा रहे हैं, अगर हम इसे सही इस्तेमाल करेंगे, किरामन कातिबीन हमारे लिए हक में नेकियां लिखेंगे। अगर इसे मिसयूज करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे, याद रखो कि हमारे नाम आमाल में गुनाह लिखे जा रहे हैं। क़यामत के दिन वो सब हम पढ़ेंगे, जैसे हमने मिसयूज किया सोशल मीडिया को, कम्युनिकेशन मीडिया को, और व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, जितने भी सोशल मीडिया हैं, अगर इसे मिसयूज करेंगे, किरामन कातिबीन उसे लिखते जाएंगे। आप खुद हैरान रह जाएंगे हश्र के मैदान में, मैंने क्या गलतियां की, कितने गुनाह कमाए हाथ में हमने, कितने गुनाह कमाए। कुरान ने कहा कि आज हम उनके मुंह को लाख कर देंगे, अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हाथ बात करेंगे, गवाही देंगे क़यामत के दिन, क्या कुछ टाइप किए, क्या कुछ चैट किए, क्या कुछ देखे, आम गवाही देंगे, कान गवाही देंगे, क्या कुछ गुनाह के काम सुने, बुरी बातें सुने, गंदी चीज़ें सुने थे, सब खिलाफ हो जाएंगे। तो लिहाजा मैं और आप सोच कर देखें किस कदर हम इसके आदि हो चुके हैं, इसे निकलने की ज़रूरत है, इसका इस्तेमाल एक हद में रखे, मालूम ही नहीं कैसा वक्त सर्फ हो रहा है। आइए देखते हैं आज के मुख्तसर इस खुतबे में कि ये सोशल मीडिया, ये कम्युनिकेशन मीडिया, ये स्मार्टफोन जिसने हमारी ज़िंदगी कैसे मुतासर की। भाइयों, जैसे ही ये सोशल मीडिया आई, ये स्मार्टफोन आए, हमारे पास वक्त की कदर ना रही, वक्त की कदर ना रही, वक्त की कदर, वक्त को हम बेकार कामों में मसरूफ कर रहे हैं, वक्त को हम बेकार कामों में सर्फ कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, जिस कदर आज के लोग वक्त की नाकदरी कर रहे हैं, वैसे तारीख में कोई भी कौम वक्त की नाकदरी नहीं की। फुर्सत के औकात को भी इन चीज़ों में गुजार कर हम
अपने वक्त बर्बाद कर रही हैं। अल्लाह के नबी से फरमाया, नेमतान मकबूल फीमा कसीर मिन अन्नास, दो नेमत ऐसी हैं जिसमें अक्सर लोग गफलत बरतते हैं, इनसे मिसयूज करते हैं। अस्सेहत वल फराग, कहा कि सेहत और तंदुरुस्ती नेमत की कदर नहीं करते, फुर्सत के औकात कदर नहीं करते, बेकार कामों में सर्फ कर देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दो नेमत की लोग अक्सर नाकदरी करते हैं। नतीजे में हुआ क्या, वक्त की नाकदरी करते हुए हम में से बहुत ज्यादा लोग फेसबुक में कितना वक्त सर्फ करते हैं, व्हाट्सएप में कितना वक्त सर्फ करते हैं, गूगल में कितना वक्त सर्फ करते हैं, यूट्यूब में कितना वक्त सर्फ करते हैं, इंस्टाग्राम में कितना वक्त सर्फ करते हैं। अल्लाह की कसम, हमारे पास वक्त की कदर ना रही, जब वक्त की कदर ना रही तो नतीजे में बेकार की मसरूफियतें हमारी ज़िंदगी में आ गई। मेरे भाइयों याद रखो, सोशल मीडिया में जो भी हम देखते हैं, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, दिल पर हाथ रख कर बताओ उसमें हमारी ज़िंदगी का कितना ताल्लुक है। कुछ भी ताल्लुक नहीं होता, ना उसमें कोई खैर होता ना कोई शर होता। ऐसे बेकार के कमेंट्स करते रहते हम लोग, बेकार के चैटिंग करते होते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप में, जो भी मीडिया है उसमें। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन हुस्न इस्लाम अल्मरई तर्कुहु मा ला यानी, आदमी के इस्लाम के बेहतर होने की अलामत यह है कि वो ला यानी चीज़ को, बेकार चीज़ों को छोड़ दे। सियासत के मसाइल ग्रुप में शेयर होते हैं, उसके लिए घंटे घंटे बहस करते हैं जो हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं रहता। किसी के बारे में ये कह दिया, फला ने ये कहा, फला ने ये किया, फला ने ये बोल दिया, इसके लिए पूरा दिन जो है ना हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं और ग्रुप में चैटिंग होती रहती है। बेकार की मसरूफियतें हमारी ज़िंदगी में आ गई। वल्लाह एक तो वक्त हम ज़ाया कर रहे हैं, बेकार लहू की चीज़ें आ गई। जब बेकार की चीज़ें हमारे पास आ गई, नतीजे में अच्छे काम हमसे रुखसत होते गए। कुरान मजीद तिलावत करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। सोच कर देखो, मैं भी सोचे और आप भी सोचे, इसी जुमा की महफिल में सोचे कि हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो आखिर में कुरान पढ़े होंगे रमजान के महीने में। अब तक उन्हें उठाने की तौफीक ना होगी। कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो बस महीने में दो बार तीन बार पढ़ के बंद कर देते हैं, बस पूरा सा पूरा वक्त सोशल मीडिया में गुजारना और उसे मिसयूज करने में हम लोग वक्त गुजार रहे हैं। कुरान मजीद पढ़ने को हमें फुर्सत नहीं है, कलामुल्लाह पढ़ने को फुर्सत नहीं है, दुआओं के लिए फुर्सत नहीं है, जिक्र अज़कार के लिए फुर्सत नहीं है, नमाज पढ़कर भी मज़ा नहीं है, नमाज में वो लज्जत नहीं। सोच कर देखो, आपकी पहले की नमाज, पुरानी जो नमाज थी आज से 5 साल पहले, 6 साल, कैसे आप इंटरेस्ट के साथ दिल लगा कर तवज्जो से पढ़ते थे, आज क्यों वह नमाज में तब्दीली नहीं है? क्यों अल्लाह का डर नहीं आता नमाज के अंदर? क्यों दुआओं में आंखों से आंसू नहीं आते? नतीजा ये है, उसका रिजल्ट वाजे ये है कि हम बहुत ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया में सर्फ करके अपने दिल को सख्त कर चुके हैं। आज वालिदैन को शिकायत है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते या बच्चे तालीम में बहुत पीछे हैं। क्यों? माँ बाप ही ने स्मार्टफोन दिलाया, पैकेज नेट के पैकेज दिलाए और बच्चे इसमें मुलव्वस हो के तालीम में पीछे रह गए। आप स्कूल का टीचर हो या उस्ताद हो, कुर्सी पर बैठकर स्टूडेंट के सामने मोबाइल में मसरूफ है, कॉल रिसीव कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, बच्चे सामने मौजूद है, तालीम पर कितना असर पड़ा ये मोबाइल सोचने की जरूरत है। कंपनी में काम कर रहे होते ही काम करने के बजाय, वर्क मुकम्मल करने के बजाय नेट में मसरूफ हैं, स्मार्टफोन में मसरूफ हैं, सोशल मीडिया में मसरूफ हैं, नतीजे में काम अधूरे होकर रह गए। क्या क्या तब्दीलियां लाई हमारी जिंदगी में देखिए, ताल्लुकात में बड़ी कमजोरी आई, ताल्लुकात में दरार पैदा हो गया। नतीजे में मेरे भाइयों बताना यह है कि किस कदर हमारी जिंदगी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। और यह भी बड़ा नुकसान हुआ, इसे गलत इस्तेमाल करने से, इसे हंसी इस्तेमाल करने से रिश्तों में दरार पैदा हो गए, ताल्लुकात कमज़ोर हो गए। आज शिकायत है रिश्तेदारों को, हमारे पास कोई मिलने आता ही नहीं है। क्यों? हमारे पास इतना वक्त नहीं है। जितना ज़्यादा हम कनेक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया से, उसी कदर हम रिश्तेदारों से, रिलेशन से डिसकनेक्ट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा वक्त हम इसको देने के लिए तैयार हैं, अपने रिश्तेदारों को देने के लिए तैयार नहीं हैं। आज बीवी को शिकायत है कि शोहर हमें वक्त नहीं देता, आता है आधा घंटे के लिए भी, वो भी वह अपना वक्त सोशल मीडिया में गुजार देता है। एक वक्त था मियां बीवी बैठकर मोहब्बत की बातें करते थे, वालिदैन औलाद के दरमियान वो मोहब्बत उल्फतें थी, वालिदैन नसीहत करते थे, माँ बच्चों को तरबियत क्या करती थी, दीन की बातें सिखाती थी, बच्चे वालिदा की बात को, बाप की बात सुनकर अमल करते थे। क्या घराना था, क्या तब्दीलियाँ थी, लेकिन क्यों आज ये तब्दीली,
क्यों वो चीज़ नहीं है? क्योंकि बाप को फिक्र है स्मार्टफोन की, बाप को फिक्र है सोशल मीडिया की, उसी में वक्त गुजारना, उसी में टाइम सर्व करना। बीवी मसरूफ है मोबाइल में, शोहर को वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, शोहर के पास बैठ कर चंद मिनट की बातें करने के लिए तैयार नहीं है। आज बूढ़े माँ बाप तन्हा घर के कोने में बैठे ही उनके बच्चे उन्हें वक्त देने के लिए तैयार नहीं, तरसते ही बाप तड़प जाता है बाप कि हमारा बच्चा हमारे पास बैठ कर कुछ गुफ्तगू करे, अकेले छोड़ देते हैं। क्यों? 5 घंटे 6 घंटे पूरे तरीके से उसी सोशल मीडिया में स्मार्टफोन में अपना वक्त सर्व कर देते हैं। आज की औलाद वालिदैन फरामोश कर दी। मेरे भाइयों, स्मार्टफोन की वजह से देखिए, सोशल मीडिया के मिसयूज से देखिए, ताल्लुकात में किस कदर दरार पैदा हो गए, किस कदर दूरियां हो गई, किस कदर ताल्लुकात में शिदा पैदा हो गई। ये सब चीजें सोचने की जरूरत है, हम क्यों ऐसे बदल गए? सोशल मीडिया के मिसयूज ने खास करके न्यू जनरेशन के दीन को बर्बाद किया। देखिए, गूगल में, नेट में जितने भी वेबसाइट हैं, उसमें ज्यादा कसीर तादाद इस्लाम दुश्मनों की है। इस्लाम के नाम पर क्रिश्चियनों के कितने ज्यादा वेबसाइट हैं, कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर किस कदर यहूदियों के वेबसाइट हैं, इस्लाम के नाम पर कादियानों के किस कदर वहाँ पर वेबसाइट मौजूद हैं। हमारी नौजवान नई नस्ल जो यूज करती है सोशल मीडिया को, उन्हें मालूम नहीं है क्या सही क्या गलत, हर कमेंट्स को पढ़ के मुतासिर हो जाती है, आर्टिकल्स को पढ़कर मुतवज्जे होकर उसे इम्प्रेस हो जाती है और वही हक समझती है। नतीजे में अल्लाह के बारे में शक, दीन के बारे में शक, हदीस के बारे में शक, क्या कुछ बुराइयां पैदा हो गई, क्या कुछ नादीनी पैदा हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसा जमाना आएगा, युस्बिहु मुमिना व युमसी काफिरा व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा। कहा कि सुबह मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। आज के दौर को रख कर देखो, सोशल मीडिया को रख कर देखो, आज कितने लोग ऐसे ही जो वीडियो देखते ही जो इस्लाम के नाम पर शेयर किए जाते हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, कोई अता पता नहीं, बोलने वाला कौन है मालूम नहीं है, उसका अकीदा कैसे मालूम नहीं है, उस चीज को देखते ही पढ़ते ही मुतासिर हो जाते हैं, हदीसे रसूल पर उंगली उठाते हैं, सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाते हैं, कुरान पर एतराज़ करते हैं, कुरान में डाउट पैदा होता है, नतीजे में इत्तेदाद के मुलव्वज़ होते हैं, बेदीन हो जाते हैं, इस्लाम से नफरत करने लगते हैं, इस्लाम को छोड़ देते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में हदीस के नाम से शेयर करते हैं, हालांकि कितनी चीजें हदीस के नाम से शेयर हो रही हैं, बुखारी के नाम से हदीस शेयर हो रही हैं, मुस्लिम के नाम से हदीस शेयर हो रही हैं, हालांकि उनको मालूम भी नहीं क्या वाकई माने में हदीस बुखारी में है, क्या वाकई माने में आयत कुरान में है, उन्हें एहसास ही नहीं। जो भी आया शेयर कर दिए, याद रखना गलत चीजें शेयर करने से पहले सोच लो। अल्लाह के नबी से फरमाया, मन कذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, जो मेरे पर झूठ बांधे, झूठ बात बोले, उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। हदीस के नाम से, दीन के नाम से क्या कुछ मैसेज शेयर किए जाते हैं, ये अमल करो इतना ज्यादा सवाब मिलेगा, 1 लाख सवाब मिलेगा, 10 लोगों को शेयर करो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लाइफ स्टाइल बदल जाएगी, बिजनेस में बरकत आएगी, ये अमल करो, ये तस्बीह पढ़ो, कि ना कुरान में है ना हदीस में है। ऐसी झूठी बातें हदीस के नाम पर नबी का हवाला दे देकर शेयर करते हैं, एक मैसेज आपके आखिरत को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसीलिए शेयर करने से पहले तहकीक कर लो, उलमा से रुजू करो, क्या सही है क्या गलत है, रुजू करने के बाद उस चीज को शेयर करो, वरना तो आप जो आया शेयर कर दिए, अगर वो गलत चीज दूसरे अमल करते हैं, उनको भी गुनाह मिलेगा, आपको भी गुनाह मिलेगा, कयामत के उनका बोझ भी आप उठाएंगे, वो भी अपना बोझ उठाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि नेमत है, अगर इसका सही इस्तेमाल करेंगे, अगर इसे मिसयूज करेंगे, तो ये आपके लिए आफत है, बर्बादी है। भाइयों, सोशल मीडिया के मिसयूज करने की वजह से हमारे नौजवानों में शर्म हया ना रही, बेहयाई के काम ज्यादा आ गए, लोग गंदी फिल्में देखने लगे, तन्हाई के गुनाह ज्यादा हो गए, सामने दिखने में बड़े नमाजी, बड़े शरीफ, बड़े बुजुर्ग, लेकिन अकेले में जाते ही, बंद कमरे में जाते ही, कोई देखने वाला नहीं होता, ऐसे में YouTube का मिसयूज करते ही, इतनी गंदी फिल्में देखते ही, Facebook के जरिए, YouTube के जरिए कितने वीडियो गंदे देखते ही,
गाने सुनते ही उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक ये गंदी फिल्मी ना देख लेते, उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक ये गाने ना सुन लेते। आज बहुत ज्यादा लोग ऐसे करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन तिहामा पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ मक्के का, तिहामा पहाड़ के बराबर लोग नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उन नेकियों को धूल के मानिंद कर देगा, बर्बाद कर देगा। नमाजों की शक्ल में बहुत ज्यादा नेकियां लेकर आएंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो नेकियों को बर्बाद कर देगा अल्लाह ताला। सहाबा ने पूछा क्यों अल्लाह के रसूल? कहा ये वो लोग हैं जो सामने में तो वह अपने आप को नेक बताते हैं, इदा खलो जब तन्हाई में जाते हैं अल्लाह ताला की हुरमत का पामाल करते हैं, तन्हाई में जाकर गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं, तन्हाई के गुनाह उनकी जिंदगी में होती है। सोच कर देखो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नमाजें बर्बाद ना कर दी जाए, हमारे रोजे बर्बाद ना कर दी जाए, हमारे सदकात बर्बाद ना कर दिए जाए। तन्हाई के गुनाह से बचो, बचो इस गलत आदत से छुटकारा पाओ। हर वक्त सोचो कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। अगर ये चीज दिल में आ जाए, आदमी सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करेगा, कम्युनिकेशन मीडिया का सही इस्तेमाल करेगा, स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल करेगा। मैं कहता हूँ, इससे पहले मैं कह चुका हूँ, आज के दौर में अगर कोई सोशल नेटवर्क का सही इस्तेमाल करे, स्मार्टफोन सही इस्तेमाल करे, अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, अल्लाह का बहुत बड़ा वली है वो। अगर वो सोशल मीडिया का और कम्युनिकेशन मीडिया स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल करता है, वरना तो आज किसी पर भरोसा ना रहा। कौन कितने पानी में है मालूम नहीं है, हर एक को मालूम है कि वो कितने पानी में है, मुझे मालूम है कि मैं कितने पानी में हूँ, आपको मालूम है आपकी जगह में आप कितने पानी में है। इस मोबाइल ने हमारी आखिरत को बर्बाद कर रही है, इसीलिए जरूर है मेरे भाइयों, ये चीजें बैठ कर सोचे, क्यों मैं ऐसे हो गया हूँ, क्यों मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है, क्यों मैं नमाज के लिए वक्त नहीं दे रहा हूँ, क्यों मेरे अंदर अल्लाह का डर नहीं है, क्यों मेरे आंखों से आंसू नहीं आ रहे खबर के होमनाकी को सोचकर। मैयत में हाजिर होकर भी वो तब्दीली नहीं आती, जनाजे में शिरकत कर भी दिल बदलते नहीं, कब्रिस्तान में दफन कर रहे होते यहाँ पर स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे होते लोग, चैटिंग कर रहे होते लोग, कब्रिस्तान का खौफ भी नहीं लोगों के दिलों में, क्यों ऐसे पत्थर दिल हो चुके? आज सोचने की जरूरत है, इस कदर उसमें हम लोग पड़ चुके हैं। जैसे शराबी को शराब का नशा है, वैसे बहुत ज्यादा लोगों को इंटरनेट का नशा लगा हुआ है। नेट के बगैर एक दिन की जिंदगी में नामुमकिन समझी जा रही है। सोच कर देखो अगर एक दिन नेट ना हो फोन में, आदमी किस कदर परेशान हो जाता है। हमेशा यह फिक्र होती है कौन मेरे लिए मैसेज भेजा है, कौन भेजा है, यही फिक्र होती है। नमाज की भी देखिए, अल्लाह हिफाजत करे, नमाज में वही सोच, कौन मैसेज भेजा होगा, किस ग्रुप में क्या मैसेज आई, मैंने जो मैसेज शेयर किए हैं, मैंने जो स्टेटस शेयर किए हैं, कितने लोग उसे देखे हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, कितने लाइक्स मिले हैं, यही फिक्र ज़्यादा लोगों को मौजूद है। और कुछ लोग तो अपनी तस्वीर को एडिट कर करके स्मार्ट बताने की कोशिश करते हैं फेसबुक के जरिए से, हालांकि बिहाइंड द सीन अगर रियलिटी लाइफ देखा जाए तो वैसे नहीं होती। अपनी तस्वीर को एडिट करके बहुत स्मार्ट बना के दूसरों के सामने शेयर किए जाते हैं, हमेशा फिक्र है कि मैं दूसरों के सामने अच्छा दिखूं, और इस मीडिया के जरिए दूसरों के साथ कंपेयर करने का जज्बा पैदा हुआ। जैसे कंपैरिजन आई, आदमी के अंदर खुद एतमादी कमी आ गई, खुद में गमगीन होने लगा, मैं क्यों ऐसा हूँ, वो क्यों ऐसा है। ऐसी चीजें देखकर याद रखो, ये जितनी भी शेयर की जाती है फेसबुक में, ये सब रियलिटी नहीं हुआ करती, अक्सर फेक होती है। स्मार्टफोन वाले भी हर दिन ऐसे ऐसे ऐप बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, कैसे दूसरों को अट्रैक्ट करें, दूसरों को कैसे जो कस्टमर अट्रैक्ट करें, उनकी फिक्र हुआ करती है। लेकिन हम उसमें पढ़कर अपना वक्त सर्फ करते हैं, अपनी जवानियों को दबा कर रहे हैं, और बच्चों का तो क्या कहना, अल्लाह अकबर, बच्चा उस वक्त तक खाना नहीं जब तक कि यूट्यूब का इस्तेमाल ना कर ले। हत्ता के टॉयलेट में भी आदमी तन्हा ना रहा, वहां भी स्मार्टफोन के सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया। ये किस कदर नशा, ये किस कदर हम इसके आदि हो चुके हैं, कैसी हमारी जिंदगी बदल गई, सोचने की जरूरत है। हम कितना कुरान के लिए वक्त देते हैं, नमाज के लिए वक्त देते हैं, क्यों हमारी जिंदगी ऐसी हो गई? मैं कहता हूँ कि मेरे भाइयों, यहीं पर बैठकर सोचो। यहाँ पर यह खुतबा देने का मकसद ये नहीं कि आप इस्तेमाल करना छोड़ दो, नहीं, जरूर इस्तेमाल करो, मैंने कहा बहुत बड़ी नेमत है, सही इस्तेमाल करो, इस चीज को एक हद में रखो, इसका एक लिमिट रखो, उसके लिए वक्त दो, जितना वक्त देना उतना वक्त दो,
वरना तो इतना वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, खाने की भी जितना उनको याद नहीं होते, 5 घंटे फेसबुक में, 6 घंटे व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में 3 घंटे, 24 घंटे में मुहासबा करके देखो आज मैंने कितनी मरतबा जुना। हालांकि उसी के अंदर सारी हिस्ट्री मौजूद होती है, कब कब आप व्हाट्सएप चेक किए, कब कब आप फेसबुक चेक किए, सारी जो ना डेटा जो ना कलेक्ट करके चेक करो मेरी जिंदगी का कितना वक्त उसमें सर हो रहा है। सोचने की जरूरत है, नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं लोग, नींद हराम हो चुकी है, सुबह उठते हैं तो स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, रात को सोते हैं तो वही देखकर सोते हैं, काफ़ी रात गुजर जाती है, 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, चेक करके देखो उनकी लास्टिंग होती है रात के 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, इतना ज़्यादा स्टडिट हो चुके हैं, इसके ज़्यादा नशेली हो चुके हैं, नींद हराम, नींद बर्बाद, नतीजे में नफ्सियाती मरीज, ज़हनी असरात ज़्यादा हुए। जितने ज़्यादा नफ्सियाती मरीज के लिए डॉक्टर आज के दौर मौजूद हैं उतने ज़्यादा कहीं मौजूद ना थे, इससे पहले मौजूद ना थे। आज कैसे कैसे डॉक्टर हैं जो आपके ज़हनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपके लिए मोटिवेशन प्रोग्राम के जरिए आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप इस बुराई से, इस बीमारी से निकल जाए। एक नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं स्मार्टफोन के कसरत से इस्तेमाल की वजह से, क्या बड़े क्या छोटे। और यहाँ ये भी कहूँगा, हमारी मुस्लिम लड़कियाँ अपनी तस्वीरें इंस्टा में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, स्टेटस में शेयर करती हैं, खुद को स्मार्ट बताने की कोशिश करती हैं, खुद को ब्यूटी बताने की कोशिश करती हैं। ये उनके दिल में आता है कि सब लोग मेरी तस्वीर देखें और समझते हैं कि एक वीडियो बनाकर टिकटॉक के जरिए जो भी एप्लीकेशन है उसमें शेयर करके बताती हमने बहुत बड़ा काम अंजाम दे दिया। ये बुर्का पहनकर इस्लाम को बदनाम कर रही हैं, हिजाब के नाम से इस्लाम को बर्बाद कर रही हैं, मुसलमान का नाम अल्लाह। आज ज़्यादा लोग इंस्टा में कौन हैं, हमारी मुस्लिम लड़कियां हैं, मेजॉरिटी मुस्लिम लड़कियां हैं, गाने को शेयर कर रही हैं, नौज़ुबिल्लाह गंदी चीज़ों को शेयर कर रही हैं, अपनी तस्वीर शेयर कर रही हैं, वीडियो बनाकर शेयर कर रही हैं, कितने अजनबी मर्द देख रहे हैं, कितनी बेहयाई काम फैला रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनको मालूम नहीं है कि इसका किस कदर दुश्मन लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, लड़कियों की तस्वीर रखकर किस कदर मिसयूज़ कर रहे हैं, उनकी वीडियो को किस कदर गंदे वेबसाइट में डालकर मिसयूज़ कर रहे हैं मालूम नहीं है। और वालिदैन भी उन चीज़ों को जान कर भी अनजान बन जाते हैं, दिलाते हैं स्मार्टफोन, नेट पैक भी वही दिला डालते हैं, फिर भी जब खानदान का नाम बदनाम हो तो रोने लगते हैं, हमारी बेटी ऐसी हो गई वैसी हो गई, खानदान का नाम बदनाम कर दिया, हमारा लड़का ऐसा हो गया, मेरा यानी मेरे चेहरे को मुझे बदनाम कर दिया, खानदान बदनाम कर दिया। अरे पहले सोचना चाहिए था स्मार्टफोन चलाने से पहले, छोटा बच्चा 8 साल हुआ जो उसके हाथ में 40,000 का मोबाइल स्मार्टफोन है, क्या ज़रूरत है उसे, कौन दिलाते हैं, वालदे दिलाते हैं, बच्चा ख्वाहिश किया, याद रखो खून के आंसू रोएंगे, ये बच्चा जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, नेट है, अगर ये मिसयूज़ करे तो याद रखो आप खून के आंसू रोएंगे, आप दिलाकर अपने आखिर बर्बाद कर रहे हैं, बच्चे के अखलाक बिगड़ रहे हैं, खानदान की बदनामी होगी अगर से मिसयूज़ करें तो। इसीलिए ज़रूरी है जहाँ दिलाते हैं मोबाइल तो वहीं पर जायज़ा रहने की ज़रूरत है, क्या देखता है, किस वेबसाइट पे जाता है, वक्तन फ़वक्तन वालिदैन को चाहिए कि जायज़ा लें अपने बच्चों का वो किस कदर यूज़ कर रहे हैं। तो लिहाजा बताना मकसद मेरे भाइयों, मैं फिर भी आखिर में यही कहता हूँ कि सोशल मीडिया अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी नेमत है, अगर इसका सही इस्तेमाल करेंगे, अगर इसे गलत इस्तेमाल करेंगे, इसे मिसयूज़ करेंगे, याद रखो ये तुम्हारे लिए आफत है, फितना है, आजमाइश है, आखिरत में बर्बादी का जरिया है, गुनाह पर गुनाह ज़्यादा मिलेंगे अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को अल्लाह की दी हुई नेमत का सही इस्तेमाल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया में रब की बंदगी करने वाला बनाए, अल्लाह हमें नमाजी बनाए, अल्लाह हमें इबादत गुजार बनाए, अल्लाह हमें कुरान की तिलावत करने वाला बनाए, अल्लाह हमें बेकार की मसरूफियतें और वक्त सर्फी से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में खशियत इलाही पैदा फरमाए, अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाए, आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयातिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुल बरहीम अल हलीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सैयाति अमालिना من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.